आपन समस्त को मोर नमस्कार। एटा मोर सौभाग्य जे आज बौद्ध जिल्ला को आसी आपन समस्त को संग्रे देखा करिवार सुजोग पाई। बौद्ध जिल्ला तीनटा ब्लॉक गोटे सब डिविजन पाखापाखी 4,41,000 लोकों को नहीं किए बौद्ध जिल्ला, किंतु मु कहिबि छोटो जिल्ला हेले भी बहुत महत्वपूर्ण जिल्ला जदि कहिबि ताले अत्युक्ति हबो नाही। मु जत्ते बड़े शिक्षा सचिव थिली सत्ते बड़े स्कूल परिदर्शन रे बौद्ध जिल्ला को आसिथिली, आउ वर्तमान नुआ भूमिका रे एठी आसीछि। कंटामाल ब्लॉक रो पलसागुड़ा अंचल रो पिला माने डाकिथिले, सेठी गोटे स्वास्तिक क्लब रहिछि पिला मानक द्वारा सृजित क्लब, आउ से क्लब रो पिला माने आमंत्रित करिथिले तांकर मुरासुर दरबार आजि लागिबो, आउ सेठी मते आमंत्रित करा हेछि। स्वास्तिक क्लब रो पिला माने करिथिले, मु सेठी जाउछि। सो गला बळकु आजि मोर बहुत इच्छा हैला बौद्ध रे रहिबा पई, आपन समस्तक संगे देखा करिबा पई। आउ भारतीय जनता पार्टी बौद्ध बहुत सक्रियता सहित निजर कार्य आरंभ करिछि, मु तांको धन्यवाद देबी जे तांको माध्यम रे आज समस्त संगे देखा होउछि। कार्यकर्ता मानंको संगे भी मोर आज मीटिंग रहिछि। मो राज्यर उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट आउ से दृष्टि रु भी मोर दायित्व होउछि जे जेते भी मोर भारतीय जनता पार्टी रो कार्यकर्ता अछन्ति तांको संगे बसिबि, तांकर कथा सुनिबि, कोठी कोन समस्या रहिछि से विषय रे आलोचना करिबि। बंधुगण मु जेते बडे आसिली अभ्यास अछि जे समस्त को संगरे कथा होछि, कथा हेले गुड़े कथा बुझी होछि। आज जो जो जगह रे रहिली पुरना कटक थारु आरंभ करिकि बौद्ध पर्यंत बहुत जन को संगरे कथा हेछि। बौद्ध विषय रे हमें समस्त जानिछु, आपण माने अधिक अवगत अछन्ति, तथ्य तर्क सहित कथा होछि। आश्चर्य रो कथा जे बौद्ध रे 1936 मसीहा रे एई राज्य रो गठन हिछ आमे समस्त जानिछु, किंतु एई पर्यंत बौद्ध रे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नाही। पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास करिबा पई आमरो पिला माननकु अन्य जिल्ला को जिबाकु पडुछ। विमेन्स कॉलेज नाही, आमे बारंबार कहुछु जे ए 50% लोकसंख्या महिला अछन्ति तांकर उन्नति बिना तांकर विकास बिना लोकसंख्या रो संपूर्ण राज्य रो प्रगति हेई पारिबो नाही। शिक्षा होची प्रगति रा मूलाधार, किंतु आश्चर्य रो कथा जे बौद्ध जिल्ला रे एते महत्वपूर्ण जिल्ला रे विमेन्स कॉलेज नाही। को परिस्थिति रे एठी विमेन्स कॉलेज महिला महाविद्यालय करा जाय नाही एटा बुझी होनी प्रथम। द्वितीय कथा बहुत गंभीर विषय जे ए पर्यंत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एठी करा जाय नाही। और चिंता करंतु ग्रेजुएशन कला परे जो पिला माने अछंती से मानको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पई अन्य जागा को जिबा को पडुछि। मु भाबुछि विभिन्न समय रे विभिन्न प्रश्न राज्य सरकार को मु करि आछि, आपन माने जानि छंती अधिकांश प्रश्न रो उत्तर ही नहीं, निरुत्तर राज्य सरकार। आपण माने देखुथिबे कौन सी प्रश्न रो उत्तर देई पारुनाहंती, और मु जानी छी एही प्रश्न रो भी उत्तर देई पारिबे नाही। एठी कारो आदरणीय प्रदीप अमात जी स्पीकर थिले, बहुत महत्वपूर्ण लोक, किंतु काहे की एठी शिक्षा क्षेत्र रे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हे नाही किंबा हमरो विमेन्स कॉलेज हे नाही किंबा हमरो पीजी क्लासेस हे नाही, एटा बुझी होनी। द्वितीय कथा बंधुगण, ए जे तीनटा ब्लॉक रे रहुथिबा मो पहली 4,00,000 पाखा पाखी 41,000 लोक, अधिकांश लोक कृषि उपरे आधारित अछन्ति, तांकर जीवन निर्वाह कृषि माध्यम रे करंती। जलसेचन बहुत महत्वपूर्ण, आउ आपनो चिंता करंतु बौद्ध कोठी अवस्थित, महानदी आउ 4टा शाखा नदी पाखरे अवस्थित बौद्ध जिल्ला, 3टा ब्लॉक कोटिए सब डिविजन, किंतु एठी जलसेचन रो व्यवस्था नहीं। आपनो चिंता करंतु जो
कृषि उपरे आधारित जहांकर जीवन तांगु केते असुविधा होथिबो कहा होची जे आमे 50% पर ब्लॉक एग्रीकल्चरल लैंड को पानी दे देबो काही की हे नाही आज्ञा 35% हेले भी बुझी थांती काही की हे नाही एटा होची प्रश्न पुनी एही प्रश्न रो भी पुअर इरिगेशन सिस्टम रो भी उत्तर राज्य सरकार देई पारिबे नाही देई पारु नाहंती। तृतीय कथा मु कहबाकु चाहे जे देखंतु बड़ बड़ कथा मु कहू नाही मु बेसिक कथा कहू छी मूलभूत सुविधा लोकों को दरकार शिक्षा दरकार स्वास्थ्य दरकार आपनो चिंता करंतु स्वास्थ्य दिगरे मु एठी सर्किट हाउस रे अछि मु जानी छी मते लोक माने भी कहि छथि जे आपनो पाखो अंचल को जानतो आपनो पीएचसी सीएचसी को जानतो आपनो देखिबे जे फार्मासिस्ट माने चलौ छथि पीएचसी सीएचसी जेते बेले एटा कुहा गला मु संगे संगे कागज पत्र देखली केते जन को पचारली जणा पड़ला जे पाखा पाखी 80 डॉक्टरंकर पोस्ट खाली अछि 80 डॉक्टर्स पोस्ट आर वेकेंट अराउंड 80 कम हुए पारे हे पारे कि अधिका ही पारे पाखा पाखी 80 डॉक्टर पोस्ट खाली अछि आपण चिंता करंतु जदि पीएचसी सीएचसी फार्मासिस्ट द्वारा परिचालित हबो ताले आमे को प्रकार रो स्वास्थ्य अवस्था विषय रे आमे कहि परिबा यार भी उत्तर अछि कि राज्य सरकार को पाखरे ये तृतीय प्रश्न रो भी उत्तर नहीं एटा मु निश्चित भाव रे आराम रे कहि परिबे। बंधुगण बहुत तो स्वप्न आमे देखिथुलु जत्ते बडे प्याज पई गवेषणा केंद्र हैला प्याज पई गवेषणा केंद्र करा जाईथिला आमे भाबुथुलु चालिबो निश्चित भाव रे बहुत आमर लोक माने उपकृत हेबे किंतु आपण माने समस्त जानी छंदी राज्य सरकार काम अछि कोनसी कार्यक्रम रो कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन इज द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट किंतु से जे प्याजर गवेषणा केंद्र विषय रे आपण माने जहा को पचारिबे समस्ते असंतुष्टि प्रकाश करिबे तो मते कोठी ना कोठी लागुछि जे बौद्ध जिल्ला को अनदेखा करा जाय छि कि एते महत्वपूर्ण लोक एठी अछंती स्पीकर थिले एटा बहुत महत्वपूर्ण बहुत दूर भी नाही भुवनेश्वर ठारू बहुत कम दूर किंतु एठी एही अवस्था अछि। बंधुगण माइग्रेशन को विरोध करू नाही आमे जत्ते बड़े ग्रीनर पास्चर पई जाउचु भलो कथा माइग्रेशन को विरोध करा जा नाही किंतु डिस्ट्रेस माइग्रेशन को विरोध करा जाउछ आपनो जानतो वर्तमान बौद्ध रो विभिन्न गाँव को आपण माने अधिका जाने छंती मु केवल आपणकर मनरे जो कथा अछि ताकु समस्त को सामना रे रखुछि प्रत्येक गाँवरु 30-40 जन लोक दादन खटिबा पई बाहर को जाउछंती दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस माइग्रेशन एटा भलो माइग्रेशन नहो एटा डिस्ट्रेस माइग्रेशन कोठी के जाउछंती आंध्र प्रदेश जाउछंती तमिलनाडु जाउछंती सूरत जाउछंती आउ विभिन्न छोटो मोटो व्यापार रोजगार नहीं कि सेठी अल्प पैसा पाई कि निज घर को पठाउछंती आमे काहे कि ए पर्यंत एठी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस छोटो छोटो उद्योग रो संख्या बढ़ेलु नाही प्रत्येक ब्लॉक रे ही थांता 4-5 पंचायत को नहीं कि गोटे क्लस्टर ही थांता सेठी ही थांता स्वरोजगार केंद्र ही थांता विभिन्न सेक्टर्स रे स्वरोजगार केंद्र हे थांता आउ थरे मु कहबी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जदि हे थांता ताले आजी जो फिगर आसी छी आमो जिल्ला रु बौद्ध जिल्ला रु 10,000 लोको बाहर को आजी दिन रे जाई छंती एटा हे नो थांता मां बापा को पाखरे रही के बौद्ध रे से माने रोजगार करी थांतो एटा बहुत बड़ कथा छी यार भी उत्तर राज्य सरकार को पाखरे नाही एटा मु निश्चित भाव रे कहबी। बंधुगण आपण माने समस्ते जानी छंती जे विगत केते दिन भितरे गुड़े कथा कुहा जाय छे गोटे बड़ कथा हे छी दुर्नीति भ्रष्टाचार आपण समस्ते जानी छंती डेरास विषय रे आपण समस्त को मु आमंत्रित करू छी आज पब्लिक मीटिंग अछि पब्लिक मीटिंग रे भी समस्त को मु आमंत्रित करबी बौद्ध रो लोकों को जे डेरा शासनतु चंदका पाखरे भुवनेश्वर रे आउ एई बीजू जनता दल सरकार
ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି 150 ଏକର ଜମି ତ୍ରିବେଣୀର ଲୋକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୃତିକା ପ୍ରଭାକରନ ହାତରେ ନେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାକରନକୁ କୃତିକା ପ୍ରଭାକରନକୁ ଆଉ ତ୍ରିବେଣୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଥୋଇଲୁ, ମାନିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଇରିଗେସନ କେନାଲ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା। 300 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଲେ, ଇରିଗେସନ କେନାଲ ଖୋଲା ହେଲା, ଡେରାସ ଇରିଗେସନ କେନାଲ ଖୋଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେ 150 ଏକର ବାଡ଼ାବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ତ୍ରିବେଣୀ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପାନିଜର ଜଣେ ମ୍ୟାଡମ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତମିଲ ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ କୃତିକା ପ୍ରଭାକରନ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ହେଇଗଲେ। ଆମେ କହୁଥିଲୁ 150 ଏକର ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଜମି ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଜମି ଅଛି ସରକାରକୁ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କଲେ ନାହିଁ, ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। 300 ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 150 ଏକର ଜମି ମ୍ୟାଡମ କୃତିକା ପ୍ରଭାକରନଠୁ ନେଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାର। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦିଏ, ସେଇଭଳିଆ କଥା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଥିବ। କଥା ହେଉଛି ଯୋଉଠି ଯୋଉ କାମ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ, ପାରଦର୍ଶିତା ସହିତ ହଉ। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମି ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି କହିଲା ପରେ ବି, ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ ବି ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠି ତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। 10,000 ଲୋକଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେନି, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ଓ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି କଥା କ'ଣ ହେବା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କଥା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କ'ଣ ହେବା? ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 22-23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କହିବେ, ପାରଦର୍ଶୀ କହିବେ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କୁହାଗଲା, ଜଣେ କିଏ ବାହାରିକି ସେ ସବୁ ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଦାଦନ ଖଟିବା ବିଷୟରେ, ପିଆଜ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ, ଯୋଉ ସବୁ କୁହାଗଲା ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।